वो आपका कुछ कहा जाए उसको स्लिप उपरांत दूसरे तरीके से उसको बोल दिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेकार और फिजूल की बात करना और नैरेटिव शीट करना भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों से पूछना चाहूंगा, सदन में भी जो एमएलए लोग हैं, इनका क्या राय है, आप क्या चाहते हो, उनकी क्या उनकी बात को समर्थन करते हो क्या, आखिर बटना चाहिए। विपक्ष की बात को सदन बिल्कुल सुनेगा, विपक्ष सरकार को सत्ता पक्ष को आईना दिखाने के लिए होता है, हिम्मत होना चाहिए। घुसपैठ पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये देश के परिप्रेक्ष्य में घुसपैठ जो होता है ये आपका देश के लिए खतरा है। और मैं हूँ आपके साथ गौरी राज। मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सदन के भीतर और बाहर बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा गरमाया हुआ है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व विधायक हैं बंधु तिर्की जी। सर, जिस तरीके से बीजेपी बदलती डेमोग्राफी का मुद्दा उठा रही है, अब ये ना सिर्फ संथाल परगना तक ही सीमित रहा, अब ये पूरे झारखंड तक इसकी आंख फैल गई है। और सीधे तौर पर अब जो आपकी बेटी है विधायक शिल्पी नेहा तिर्की, वो कह रही है कि बिहारी भी घुसपैठ। देखिए गौरी जी, बेकार और फिजूल की बात करना और नैरेटिव शीट करना भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए। आज सबसे बड़ा मुद्दा जो पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गोड्डा के सांसद ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा है कि दुमका और बंगाल और बिहार को मिला करके केंद्र शासित कर दिया जाए, ये क्या राज को बांटने के बात करेंगे। मैं इन भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरों से पूछना चाहूंगा, सदन में भी जो एमएलए लोग हैं, इनका क्या राय है, आप क्या चाहते हो, उनकी क्या उनकी बात को समर्थन करते हो क्या, आखिर बटना चाहिए। और इनके नौ नौ सांसद, एक सांसद तो बोल ही दिया है, उनकी क्या है इस पर क्या राय है। ये बहुत बड़ा इश्यू मिल गया है। हम लोगों को राज में चुनाव में जाएंगे, लोगों को बोलेंगे कि ये लोग इस राज को बांटना चाहता है और दुमका को काट करके लोग केंद्र शासित बनाना चाहता है। आप अपनी बेटी के इस बयान को कैसे देखते हैं फिर? ये क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, कोई उस पर समझने की बात है। भाई रांची में डेमोग्राफी बदला है, उसमें कहा किंतु परंतु ने, इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। वो आपका कुछ कहा जाए उसको स्लिप उपरांत दूसरे तरीके से उसको बोल दिया होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप, मैं सीधी सीधी बात पूछता हूँ लोगों से, रांची का डेमोग्राफी बदला है कि नहीं, और बदला है तो इसकी जिम्मेवारी कौन है? सीधी बात है, इनको बताने चाहिए। तो सदन में भी बहस का मुद्दा है, कैसे बदला? आप बेकार की चीजों को लेकर के आप ये कहते हैं, ओ इनका इनका तो सिर्फ यही है। इसके मानते हैं कि सदन में इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल। सरकार क्यों भाग रही है बहस से? कहाँ भाग रही है? कह रहा है कि जवाब नहीं देते। गौरी जी, मुद्दे पर बहस, गौरी जी, बहस करने के लिए विपक्ष को, विपक्ष के पास में ताकत होना चाहिए। उसको विपक्ष की बात को सदन बिल्कुल सुनेगा, विपक्ष सरकार को सत्ता पक्ष को आईना दिखाने के लिए होता है, हिम्मत होना चाहिए। लेकिन जब से 2019 के बाद आपका यहाँ पर हुआ है, विपक्ष जिस तरह से रोल करता है सदन में, आप भी लंबे समय से देख रहे हो, 5 साल से, आप इसको आप झुठला नहीं सकते हैं। ये लोग चाहता है क्या कि जन मुद्दों को लेकर के बहस करें, या तो ऐसे इश्यू पर बहस करें? अच्छा, बांग्लादेश वाला बंधु तिर्की मानते हैं कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या घटी है और मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, घुसपैठ हुए हैं, वो सभी देखिए, ये सब चीज शेड्यूल एरिया है। महामहिम राज्यपाल का उसका कस्टडियन होते हैं, महामहिम राज्यपाल इससे पहले 2014 से 19, उससे पहले इनकी सरकार थी, जितने भी आपके राज्यपाल यहाँ पर आए उनका जिम्मेवारी बनता है। ये शेड्यूल एरिया में आपका असंतुलन कैसे बिगड़ रहा है, कैसे संतुलन बिगड़ रहा है, इस सबको देखना है। इसका रिपोर्ट समय समय पर भारत सरकार को देना है, लेकिन कहाँ इसको किया गया? और बाकी जो आपका घुसपैठ, ये केवल घुसपैठ बांग्लादेश से वहाँ पर झारखंड का बात नहीं है, घुसपैठ पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो ये देश के परिप्रेक्ष्य में घुसपैठ जो होता है ये आपका देश के लिए खतरा है। इंडिया गठबंधन के लिए ये अब मुश्किल हो चुका है इस मुद्दे को संभालना, आने वाले चुनाव में बीजेपी से गुनाही, क्या मुश्किल है? ये राज को डेमोग्राफी के बारे इसका जवाब देंगे इन लोग? इनके पास है जवाब? और राज को जो बांटना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं पूरा, तो इनके पास में जवाब तो कोई है नहीं। ये लोग क्या होंगे, 10-15 आ जाएंगे तो बहुत है, बता दे रहे।
समझ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त पूर्व मंत्री पूर्व विधायक बंधु तिर्की बात कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।